सब्सक्राइब करें ITTec चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से और ठीक ठाक होंगे और आप देख रहे हैं ITTec यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं तीन ऐसी अमेजिंग और ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेके हाजिर हुआ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और आप उन एप्लीकेशन को यूज़ करके इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं और इनका यूज़ करने का तरीका क्या है और इनका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, जो हमारी पहली एप्लीकेशन है वो रिमूव अनवांटेड है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन ये इतनी मज़े की एप्लीकेशन है कि आप अगर कोई फ़ोटो वगैरह या आपके पास ऑब्जेक्टिव में कोई फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं या आपने कोई सेल्फी बनाई है या कोई फ़ोटो क्रिएट की है तो बैकग्राउंड में कोई चीज़ आ जाती है तो आप बैकग्राउंड को चेंज नहीं करना चाहते, वो बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, तो जो चीज़ आ जाती है फ़ोटोज़ में उसको रिमूव बहुत ही इजी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों, आप ये तमाम एप्लीकेशन ऑप्शन में दे दूँगा, आप लिंक्स दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को मैंने ओपन कर लिया है। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा और इस पर चार पांच ऑप्शन शो हो रहे हैं, गैलरी, कैमरा, कलेक्शन और ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं यहाँ गैलरी ओपन करता हूँ और गैलरी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ गूगल से डाउनलोड की हैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम फ़ोटोज़ को रिमूव कर सकते हैं, जो हम वो चीज़ नहीं चाहिए कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पे चार ऑप्शन शो कर रहे हैं, ब्रश, लेज़ो, इरेज़र और सेटिंग। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्रश पे क्लिक करता हूँ और सिंपली यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे दोस्तों ड्रॉ करता हूँ। आप सिंपली जस्ट दो तीन मिनट में जो भी अनवांटेड चीज़ है वो आप ड्रॉ करके रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोसेस का, तो मैं प्रोसेस को प्रेस करता हूँ। तो देखें दोस्तों, इजीली तरीके से वो इस फोटो से उस फोटो को रिमूव मैंने कर दिया और कोई भी बैकग्राउंड चेंज नहीं हुई। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी अपनी सेल्फीज़, अपनी फ़ोटोज़ और सब कुछ जो आप अनवांटेड रिमूव करना चाहते हो कर सकते हो। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ, जो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है। तो वो दोस्तों, नेक्स्ट एप्लीकेशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों आइए नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी टेम्प मेल। तो दोस्तों, ये टेम मेल का इतना ज़्यादा फ़ायदा है कि हम गूगल में कोई चीज़ यूज़ करते हैं या कोई चीज़ ओपन करते हैं तो वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है कि वो मांगते हैं कि हमको गूगल का मेल एड्रेस दें या कोई मेल एड्रेस दें, तो तभी वो चीज़ ओपन होगी। तो दोस्तों, हम पर्सनल मेल एड्रेस यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि अगर हम पर्सनल मेल एड्रेस यूज़ कर लें तो वो क्या होता है कि बार बार वहाँ पर मेल्स आती हैं और बार बार हम लोगों को डिलीट करना पड़ता है। तो दोस्तों, उससे बचने के लिए ये एक ज़बरदस्त टेम मेल है कि जिसके थ्रू आप कोई भी मेल फ्री यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ से देखें कि यहाँ पे बहुत से मेल्स दिए हुए हैं और जब आप इस मेल के थ्रू वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं तो यहाँ आपको चेक योर ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पर वो मेल चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई किसी ऐप से या किसी साइट से कोई रजिस्टर्ड कोड आता है तो यहाँ से वो उठा के आप वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो नेट यूज़ करते हैं
और प्रोफेशनल काम करते हैं या साइट्स विजिट करते हैं तो वो यहाँ से कोई भी मेल को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के बाद वहाँ पे साइट को विज़िट कर सकते हैं और साइट को चेक करने के बाद अगर उनको रिक्वायर्ड हो कोई कोड वगैरह कोई रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे वो मेल चेक भी कर सकते हैं। आई तो दोस्तों अब हम अपनी तीसरी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं कि वो किस तरह यूज़ करते हैं। तीसरी एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का है। इस एप्लीकेशन का नाम है स्क्रीनशॉट यूटिलिटी। तो दोस्तों ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन है कि फॉर एग्जांपल मैंने ये 3-4 स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो सम टाइम क्या करते हैं कि हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्रॉप करते हैं, तो क्रॉप करने के बाद वो क्रॉप ठीक नहीं होती। तो दोस्तों हम इजीली यहाँ पे यहाँ से देखें, ये ब्लर है, ड्रॉ है, टेक्स्ट है, क्रॉप है, बॉक्स है, उसके बाद सर्कल है, लाइन है, एरो है। तो हम ये सारे यूज़ कर सकते हैं किसी को ये स्क्रीनशॉट सेंड करने के लिए, या क्रॉप कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्रॉप करता हूँ, मैं ये छोटी सी फ़ोटो यहाँ से क्रॉप करता हूँ। तो जस्ट डेमो आपको दिखाने के लिए कि ये क्रॉप कैसे करता है। तो देखें दोस्तों मैं यहाँ से क्रॉप करता हूँ, तो क्रॉप करने के बाद देखें दोस्तों ये इस तरह ज़बरदस्त क्रॉप हो जाता है और वो ब्लर भी नहीं होता और फटता भी नहीं और फुल स्क्रीन नहीं होता और आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों आप और भी फॉर एग्जांपल किसी को शेयर करना चाहते हो तो यहाँ पे यस करता हूँ, यहाँ से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप यहाँ से सर्कल दायरा मार सकते हैं कोई चीज़ हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है तो इसको हाईलाइट करने के लिए दायरा लगा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से लाइन खींच सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्लर करना चाहता हूँ, ये मैं अपने दोस्त को शो नहीं करना चाहता तो मैं इस स्क्रीनशॉट को ऐसे ब्लर कर दूँगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। ये देखें दोस्तों कितना ज़बरदस्त है कि मैंने वो चीज़ ब्लर कर दी अगर किसी को मैं स्क्रीनशॉट भेजना चाहते हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की 3 एप्लीकेशंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एप्लीकेशन पसंद आई होंगी और आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ और एक नीचे खूबसूरत मैसेज कर दें कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए या किस कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।